गल साले पर लेट होना कोई अर्ज नहीं कहना अपने घर उन्होंने सही टाइम दिया करो बस अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबु कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाकु उम्मती अला यदै उगैलमतिन सुफहाआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि मेरी उम्मत तबाह होगी तो ऐसे छोकरों के हाथों जो बेवकूफ़ होंगे। गालिमा तस्गीर का वज़न है और यहाँ तस्गीर जो है वो तहकीर के लिए है कि उनको हकीर बयान करने के लिए जो है वो ये गालिमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और उसकी वजाहत जो है वो अगले लफ्ज़ से हो रही है कि वो बेवकूफ़ होंगे। जो आदमी जो है वो बड़ों की बातों की परवाह ना करे और ये नौजवानी के अंदर इंसान को जो है एक बड़ा नशा होता है जवानी का कि भाई मैं बहुत कुछ हूँ, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि इंसान तजर्बे के बग़ैर जो है वो अपने आप को इस काबिल समझे कि मैं हुकूमत करूं। तो इसलिए यहाँ तस्गीर का सीगा लाए हैं और सुफहा जो है ये उसका वस्फ है कि वो बेवकूफ़ होंगे। असल में बेवकूफ़ उस आदमी को कहते हैं जो किसी चीज़ को इस्तेमाल करते वक्त उसके महल में इस्तेमाल ना करे और जवानी के अंदर जो है वो जोश की वजह से इंसान उस चीज़ की गहराई तक नहीं पहुंचता जिस तरह जो बुज़ुर्ग होते हैं वो गहराई तक पहुंचते हैं। एक साहब मुझे गुज़श्ता रोज़ मिलने के लिए आए और वो प्रोफेसर रहे हैं, सारी ज़िंदगी जो है वो अपने फ़न के तो वो माहिर हैं, मुश्किल तरीन जो फ़नून है उनके अंदर रियाजी का फ़न है। तो पहले कुछ अर्सा वो हमारे यहाँ भी रहे हैं तो मैं उन्हें मुताला कराया करता था और उन्हें कहता था कि आपको जो है वो ख़ास तौर पर जो उसूल हैं आइम्मा के तरीक़े जो हैं उनको समझना चाहिए। उन्होंने एक किताब छोटी थी वो तो खैर पूरी पढ़ी होगी लेकिन जो दूसरी किताब थी उसको उन्होंने पसंद ही नहीं किया, इसलिए वो यहाँ से छोड़कर जो है वो जलालपुर पीरवाला के अंदर जो है वो चले गए। और मैंने उन्हें पूछा कि जी, कहते हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इल्मी ज़ौक़ को पूरा कर रहा हूँ, तो अपने इल्मी ज़ौक़ को पूरा करने के लिए जो है वो उन्होंने बुखारी वहाँ पढ़ी है। ऐसे ही मैंने सवाल कर दिया कि आपने बुखारी का जो है वो किताबुल हियल पढ़ी है? कहते हैं बुखारी में है किताबुल हियल।
बस मैंने तो अंदाजे करना था, मैं हैरान रह गया कि जिसको किताबुल हियल का पता ही नहीं है कि बुखारी में है कि नहीं, उसने क्या असल में बुखारी पढ़ी होगी। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो किताब ख़त्म हो जाती है और उस्ताद जो हैं उन्हें भी ये सोच होती है किस तरह किताब ख़त्म हो, तो वो जो बहुत तेज़ रफ्तार वाला लड़का होता है ना उसको पढ़ाते हैं। और मुझे क्योंकि मुदरस को पता होता है कि ये लड़के जो तेज़ रफ्तार से तेज़ रफ्तारी से पढ़ते हैं ना, वो उनको ख़ास एक महारत ही होती है कि वो ये नहीं बयान कर सकते कि यहाँ ज़बर है कि ज़ेर है, इस अंदाज से पढ़ते हैं कि वो ज़बर भी समझी जाए और ज़ेर भी समझी जाए, इसलिए मुताले के बग़ैर ही जो है वो इबारतें पढ़ लेते हैं माशाल्लाह। और होता क्या है कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो इसलिए क्योंकि मेरा अपना मिजाज ये है कि मैं एक चीज़ को गहराई तक जो है जब तक ना समझूँ उस वक्त तक मुझे पता नहीं लगता, यानी लुत्फ़ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के अंदर एक लुत्फ़ है। तो अच्छा जी, अब हदीस की इबारत तो आपने पढ़ ली थी कल, तो मैं सिर्फ तर्जमा कर देता हूँ। यहाँ अमर बिन यहिया जो है ना, ये अपने दादा से जो है वो रवायत कर रहे हैं, और पूरा नाम इनका इसीलिए इमाम बुखारी ने ज़िक्र कर दिया है कि अमर बिन यहिया बिन सईद, यानी उनके दादा जो हैं वो सईद बिन अमर हैं, सईद बिन अमर बिन सईद। आम तौर पर जो है वो अरब तीन जो पीढ़ियाँ होती हैं उनका ज़िक्र करते हैं, यानी उनका नाम जो है सुलासी होता है, अपना नाम, फिर उसके बाद जो है वो बाप का नाम, फिर उसके बाद दादे का नाम, कहते हैं नाम फिर मुकम्मल होता है। लेकिन जब एक दफ़ा जो है वो पूरा नाम लिख दिया जाए फिर बाद में जो है सिर्फ उसका नाम ही ले दिया जाए, तो ये उम्मीद रखी जाती है कि इसको समझ आ जाएगी। लेकिन चलिए जी, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो इनका जो दादा है उसका नाम है सईद बिन अमर बिन सईद। तो इन्होंने जो है वो ये बताया कि मेरे दादे ने मुझे ख़बर दी और ये कहा कि कुन तो जारेसन माँ अबी हुरैरा, तो मैं अबू हुरैरा के साथ जो है वो मस्जिद नबी, यानी नबी मस्जिद में बैठा हुआ था मदीना मुनव्वरा में, और हमारे साथ जो है वो उस वक्त का हुक्मरान जो है मरवान बिन हकम भी मौजूद था। तो अबू हुरैरा कहते हैं समेत उस सादिक अल मसदूक, मैंने उससे सुना जो जब बोलता है तो सच बोलता है और जो उसे कहा जाता है वो भी सच कहा जाता है। तो अबू हुरैरा जो है वो इस तरह की तबलीग बहुत किया करते थे, बादशाहों को जो है वो अगर खुली जो है वो तबलीग की जाए तो फिर बादशाह बर्दाश्त नहीं करते। आप ये देखिए कि दुनिया के अंदर इंसान की शादी ब्याह की जो सूरतें हैं, इंसान जो है वो कई जगह पर जो है वो शादी की कोशिश करता है, फिर किसी जगह जो है वो उसकी बात बन जाती है तो उसे जो है वो रिश्ता मिल जाता है, और जो बाकी रिश्ते होते हैं उनकी उलझनों से इंसान नहीं निकल सकता, इसलिए वहाँ रिश्ते नहीं करता। तो हमारे अब्दुल्ला मुहद्दस रोपड़ी बताया करते थे कि बादशाहों का मिजाज क्या होता है। कहते हैं कि किसी शख्स ने जो है वो अमीर मुआविया से कहा कि आपका जो बाप था ना उससे उसने कोशिश की थी मेरी माँ के साथ जो है वो, नहीं, अमीर मुआविया की माँ ने कोशिश की थी इसके बाप के साथ शादी करने की। तो अरबों में ये सादगी थी, आम तौर पर जो रिश्ता होता वो कह देते। तो कहा कि मेरे बाप ने जो है वो रिश्ता मुस्तरद कर दिया। अमीर मुआविया वैसे बड़े समझदार थे, कहने लगे अच्छा, कहते हैं कि बात तो तेरी सच है लेकिन तूने बहुत बेमौका ये बात कही है, ये बात तो मुझे उस वक्त कहते जब मैं इख्तदार में नहीं था, अब तू इख्तदार को जो है वो छेड़खानी करके जो है वो कुछ अपना असर करवाना चाहता है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि तुम जो है मुझे इस तरह की नसीहत कर रहे हो। लो जी, ये सब बैठे हुए हैं, कौन कौन,
अबू हुरैरा भी बैठे हुए हैं और मरवान भी बैठे हुए हैं जी। अब यह है कि अबू हुरैरा ये कहते हैं कि मैंने सादिक व मसदूक से सुना है कि वो ये फरमाते थे, हालांकि तो उम्मती अला यदै गिलमतिन मिन अल कुरैश, कि मेरी उम्मत की जो हलाकत है ये जो कुरैश के नौखेज़ लड़के हैं, असल में ग़ुलाम उस लड़के को कहते हैं जो पूरी तरह बारिक तो ना हो लेकिन यह है कि बालगों की तरह कद काट उसका निकल आए और वो मालूम हो कि ये बालिग है। जैसे कि इब्ने उमर जो है वो जंग में शरीक होना चाहते थे तो नबी अकरम उनके एक और साथ लड़का भी था तो उस लड़के को जो इतनी ही उम्र का था, बल्कि यह है कि इब्ने उमर कहते हैं कि वो मुझे पिछाड़ लेता था, मुझे गिरा लेता था, लेकिन ये अल्लाह के रसूल ने इब्ने उमर को ले लिया, उसको नहीं लिया। और इब्ने उमर को कैसे लिया कि ये देखने में जो है वो ठीक ठाक थे। इस तरह से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी मुंह चौड़ा होने की वजह से छोटी उम्र में जो है वो होता, तो मेरे उस्ताद जो मुझे पढ़ाने वाले हैं ना स्कूल कॉलेज के, वो हमेशा कहते कि तुम्हारी उम्र थोड़ी नहीं है, तुम्हारी उम्र ज़्यादा है। तो इसीलिए स्कूल के अंदर उन्होंने मेरी उम्र जो है वो ज़्यादा लिखवा दी, तो अब मेरे शनाख्ती कार्ड में वही उम्र है, इसलिए कि मैट्रिक के मुताबिक उम्र जो है वो लिखी जाती है। तो मैं वैसे पहले तो कहता था कि मेरी उम्र जो है वो इतनी है, यानी उसके मुताबिक बात नहीं करता था, फिर मैंने कहा अब बूढ़े हो गए हैं, अब क्या उम्रें घटानी है, अब तो मैं एक आधा साल इजाफा करके बात करता हूँ। अच्छा जी, तो कुरैश के जो ग़ुलाम हैं ना उनके हाथों जो है वो तबाही होगी। अब ये जो कुरैश बोल दिया ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद जो है वो ये भी है कि 12 खलीफों में जो है वो इस्लाम का बोलबाला होगा, यानी 12 खलीफों की खिलाफत में इस्लाम का बोलबाला होगा। और इमाम मुस्लिम ने जो रवायत की है उसके अंदर लफ्ज़ है कि 12 खलीफों तक जो है वो इस्लाम का बोलबाला होगा, गोया कि उन्होंने ये भी बता दिया कि ये लगातार होंगे। तो असल में बात ये होती है कि जो पहला होता है बाज़ दफ़ा उसकी हुकूमत जो है वो कामयाब होती है, फिर जो बाद वाला है वो पहली हुकूमत की कामयाबी की वजह से वो भी जो है वो अपना रंग इख्तियार कर लेता है। वरना सूरत हाल तो ये है कि अब आप देखिए कि हमारे मुल्क में इमरान खान, मैं कभी सोचता हूँ कि ये आदमी जो है, ज़ाहिर है कि जो बड़ा तेज़ रफ्तार ये बॉलर था, और चूँकि क्रिकेट मैंने भी काफ़ी खेला है तो मुझे इस बात का बड़ा एहसास है कि बॉलिंग जो है वो कितनी ताकत देती है। तो अब इसी तरह जो है वो मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ इसकी सेहत ठीक ठाक है ये, लेकिन उसको ऐसी मुसीबतें डाली हुई हैं कि उसका कोई हिस्सा जो है वो सलामत नहीं है, कोई इधर से हाथ डालता है, कोई इधर से डालता है, कोई टांग को डालता है। हमारे जो सियासतदान हैं उनका काम ही असल में ये है कि इख्तदार पर जो मौजूद हो सारे उसके मुखालिफ हो जाओ, और सारे मुखालिफ होकर उसको उतार दो, फिर उसके बाद जो आदमी आएगा वो उससे भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होगा। ये तो इख्तदार की मामूली बातें हैं। मैंने दर्स का में जो है वो एक हमारे जो है वो उस्ताद थे, तो दो उस्ताद जो है वो जो नाज़िम है उसकी बड़ी मुखालफत करते थे, हर मौके पर यूँ हो गया वो हो गया, शिकायतें बड़ी करते थे। तो मैंने फिर ऐसा किया कि भाई उनको उतार देते हैं और आपके हवाले कर देते हैं यहाँ का इंतज़ाम जो है दरसगाह का, तो बड़े खुश हुए तो मैंने उनके हवाले कर दिया। हकीकत यह है कि वो नौजवान जिसकी उन्होंने बुराई की थी, मैंने उसको देखा कि अल्लाह का शुक्र है वो अमली मैदान का आदमी था। मैं मौलाना खालिद सैफ की बात कर रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने निज़ामत की, तलबा से भी जो है वो उनका ताल्लुक़ था, उस्तादों से भी उनका ताल्लुक़ था। तो ख़ास तौर पर जो ऐसा आदमी है वो निज़ामत में कामयाब होता है। इसी तरह उनसे पहले जो है कारी नईमुल हक नईम जो थे
वो यहाँ नाज़िम थे, तो बहरहाल बड़े मेयारी लोग थे, लेकिन जब मैंने उनके हवाले की तो 4 महीने के अंदर मुझे पता लग गया कि सारा सिलसिला ही बिगड़ गया, संभाली नहीं गई। हालांकि वो दो बड़े पुराने उस्ताद थे, सर ये नाम लेना मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, जब ये हदीस सुनाई तो मरवान समझता था कि असल में ये मुझे क्यों सुनाई गई है, तो इसलिए मरवान ने ज़रा आगे बढ़कर कहा लानतुल्लाह अलैहिम ग़िलमतन, ये जो पठोरे हैं, मैं पठोरा इसलिए कहता हूँ कि ये यानी पूरी तरह जवान नहीं होते, लेकिन यहाँ जवानी से मराद जो है वो बुलूगत जिंसी नहीं है, यहाँ जो असल में जवानी से मराद जो है वो अकल की बुलूगत है, और अकल की जो बुलूगत है वो 40 साल की उम्र में होती है। बार सूरत, वरना आप देखिए कि अकबर ने 14 साल की उम्र में जो है वो हुकूमत हासिल की है, और बाप फौत हो गया तो 14 साल की उम्र थी इसकी, और इतना ज़बरदस्त जो है वो अकबर ने जो है वो नज़्म व नस्क किया कि हिंदुओं को भी अपना बना लिया और शिया का जो है वो ख़ास तौर पर बुनियाद लेकर तो दीन इलाही जारी किया, नया दीन बनाकर। उसके साथ उसके जो साथी थे वो जो है वो उसके बड़े तेज़ तर्रार थे और बातें करने वाले, तो एक दफ़ा जो है वो मुल्ला दो प्याज़ा भी उनमें शामिल था, तो ये बड़ा मज़ाहिया था। ये जो है ये ईरान के दौरे पर गया, और ईरान जो है वो आपको ये पता होगा कि हुमायूं जो है वो ईरान के अंदर हिजरत करके जो है वो रहा था, इसलिए ताल्लुक़ था। तो इसलिए जब मुल्ला दो प्याज़ा गया तो मुल्ला दो प्याज़ा ने जो है वहाँ ईरान का बादशाह जब देखा, तो अब वहाँ उसका अपना बादशाह तो मौजूद नहीं था, तो उसने उसकी बड़ी तारीफ़ें की कि आप यूँ हैं आप वो हैं, और एक लफ्ज़ जो है ना उसकी तारीफ़ों में ये था कि मेरा जो बादशाह वो तो पहली रात का चांद है और आप जो है वो 14वीं रात के चांद हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि पहली रात का चांद और 14वीं रात के चांद का कितना फ़र्क होता है। यानी पहली रात का चांद तो बड़ा कमज़ोर सा, और फिर ये है कि आप अगर कहिए तो इस तरह टेढ़ा होता है, 14वीं रात का चांद तो बिल्कुल पूरा सूरज की तरह होता है। अब जो साथी थे ना उन्होंने नोट कर लिया है कि ऐसा ये जो बड़ा बादशाह को बातें बनाकर जो है वो खुश करता है ना, हम इसके मुताबिक रिपोर्ट देंगे। जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने बादशाह से कहा कि ये वहाँ जो है ऐसी बातें करता रहा है कि आपकी मिसाल जो है पहली रात के चांद की है, और नहीं आपकी मिसाल 14वीं रात के चांद की है, और मेरे बादशाह की मिसाल जो है पहली रात के चांद की है। तो अकबर बड़ा गुस्से में आया, कहता अच्छा मैं इसको ठीक करता हूँ। अब जो मुल्ला दो प्याज़ा अकबर से जब मिलने के लिए गया, तो वैसे वो इतना तेज़ तर्रार था कि वो आप देखिए पहले नहीं मिला, उसका असल में मतलब ये था कि जो बातें मुझे लोगों ने बनानी है ना वो सारी पहुँचा दें, फिर मैं जब मिलूँगा तो सारों का जवाब दूँगा। अच्छा जी, अब ये उसे पता था कि मेरे साथ क्या हरकत हो रही है। अब जब अकबर ने ये कहा कि ये बता क्या तू वहाँ कैसे चांद चढ़ाता रहा है, तू पहली रात के चांद और 14वीं रात के चांद, कहता देखिए जी वो तो बेवकूफ़ आदमी था, जो पहली रात का चांद है उसे मुसलसल तरक्की है, और 14वीं रात के चांद को तो जवाल शुरू हो जाता है। आप देखिए ना, वैसे तो लोगों ने बड़ी कहानियाँ बनाई हुई हैं, कहते हैं ये जब फौत हो गया है तो इसी तरह बैठे बैठे जो है ये फौत हो गया, तो किसी ने उसको सीधा भी नहीं किया, इसलिए जब उसको जो है नहलाने लगे तो उसकी अगर जो है वो सर नीचा करते तो टांगे ऊपर हो जाती हैं, अगर टांगे नीचे करते तो सर ऊपर हो जाता। बस ऐसे बहुत किस्से हैं। वैसे उसके जो 9 रत्न थे ना वो बहुत ज़्यादा होशियार थे। आपको पता है कि सवातुल अलहाम ये नुक्तों के बगैर इसमें कोई एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं हुआ जो नुक्तों वाला हो, और कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में चूँकि नुक्ता कोई नहीं है, तो इसलिए सवातुल अलहाम के अंदर भी देखिए कोई नुक्ता नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि लोगों के मुकाबले कैसे थे। एक शख्स ने जब उसने सवातुल अलहाम लिखी तो एक और शख्स था
उसने ऐसी तफसीर लिखी जिसके अंदर हर हरफ जो है वो नुक्ते वाला है, और उस तफसीर का नाम है जुब्बा शगफ, जुब्बा शगफ। अब ये आप बताइए, जीन भी नुक्ते वाला और बे भी नुक्ते वाला और फिर उसके बाद शीन भी नुक्तों वाला जी, और गैन भी और फे भी। आप बताइए कि ये असल में जब इंसान ऊपर अपना जौबन होता है ना, तो उस वक्त इंसान बड़ी ऐसे काम करता है। सैयद बदीउद्दीन शाह राशिदी जो हैं वो हमारे पास बहुत आते थे, तो हमारे पास ठहरते थे कई कई दिन, क्योंकि हमारे जो भाई थे बैनवी भी थे, लेकिन ज़्यादा वो बेचारे हाफिज इस्माइल रोपड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ लोगों को बहुत वास्ता पड़ता था, और वो अक्सर लोगों को अपने घर ले आते थे उनकी खातिर मुदारत बड़ी करनी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो एक दफ़ा मुझे सैयद बदीउद्दीन शाह राशिदी ने जो है वो कहा, मैंने कोई पता नहीं कि कोई किताब ऐसी लिखी है जिसमें कोई नुक्ता है ही नहीं। तो मैं अब था तो अभी इब्तदाई उम्र में, ये मतलब यह कि जवानी चढ़ रहा था, तो मैंने कहा यह क्या काम है, मैं भी इंशाल्लाह ताला ऐसी किताब लिख सकता हूँ। तो इस तरह इंसान जो है वो जवानी में हार नहीं मानता, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किताब कौन सी मुराद है उनकी। ख्याल तो यही है कि वो गलत नहीं कहते थे, इसलिए कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी सैयद बदीउद्दीन शाह राशिदी की, और इस याददाश्त की वजह से और पूरे पाकिस्तान में जो है वो जाकर तकरीरें करने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, और जो असल जिसके पास जो है वो सरदारी थी वो उनके भाई मुहिबुल्लाह राशिदी के पास थी। तो इसलिए ये तो जारी थे, और मुहिबुल्लाह राशिदी जो है वो उनका ज़ौक तो बड़ा अच्छा था वैसे असमा और रिजाल का, लेकिन वैसे वो जारी नहीं थे। अच्छा जी, अब मरवान ने तो इसका हल ढूंढ लिया ना, उसका बात आगे ना बढ़े। उसने कहा कि ऐसे गुलामों पर जो है वो लानत हो। अबू रारा कहते हैं कि लौशे तो अन अकूल, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, यानी मुझे उन गुलामों का पता है, बनी फलां व बनी फलां, ये तो असल में फलां फलां की औलाद हैं। तो असल में आपको मैं ये बताऊं कि सहाबा जो है वो हिकमत अमरी के तहत गुफ्तगू करते थे, तो नाम नहीं लिया इसलिए कि अगर नाम लेता तो मरवान उनमें शामिल था। तो इसलिए लेकिन सूरत हाल पता क्या है कि हैं जी, मरवान की तो उम्र बड़ी ज़्यादा थी, वो गिलमान में से कमी था। मैं आपको बताऊं कि असल में बात क्या है, बाद लोग ऐसे होते हैं सारी उम्र वो लड़का ही रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। ये जो है वो सोचते नहीं हैं आपकी इज्जत एहतराम, मैं तो आपको मुफ्ती आजम कहता हूँ, आप देखिए इनके दिल में इज्जत नहीं है आपकी। चलिए जी, तो कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो उनके नाम लेकर बताऊँ कि फलां का फलां उनके बाप का नाम है, ये उनका अपना नाम है। तो लफाल तो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ये लॉ जो होता है ना, ये इस काम के लिए होता है कि जो अगला कलमा होता है वो नफी होता है, और बशर्ते कि उसके शुरू में जो है जो कलमा हो उसको भी आप जो है वो नफ़ी माने में दें, यानी अगर मैं ये नाम लूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। यानी तो यहाँ यह है कि मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसलिए कि इसके शुरू में जो है वो जो है मैंने नाम ही नहीं किसी का लिया। चलिए जी, अब फकुन तो अखर जो माँ जद्दी इला बनी मरवाना, तो कहते हैं मैं अपने जो है वो दादा के साथ जिसने मुझे ये हदीस सुनाई है, मैं बनी मरवान के पास जाया करता था, हीना मलकू भी शाम, जबकि वो शाम के हुक्मरान थे। फैज़ा रआहुम गिलमानन अहदासन, और जब हम वहाँ जाते तो
तो वहाँ हम ऐसे छोकरे देखते जो अभी ज़्यादा उम्र के ना होते हैं, मतलब यह है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ज़्यादा उम्र के नहीं होंगे। अगर एक आदमी जो है वो बूढ़ा बैठा भी हो तो वो जो है वो छुप जाता है। अब माशाल्लाह कोई आपको देखे तो कहेगा ये सारे माशाल्लाह यहाँ के असातिज़ा हैं, सब जवान हैं, लेकिन मेरा किसी ने जायज़ा ही नहीं लेना इसलिए कि मैं तो आपके साथ शामिल ही नहीं हूँ। लेकिन आपको बताऊँ कि इंसान की ये गलतफहमी होती है, मैंने कभी अपने आप को जो है ना किसी चीज़ को देख कर जो है वो हार नहीं मानी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मिजाज था, अल्लाह ताला ने इस मिजाज को जो है वो इलम में लगाया तो ये भी अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या कहते हैं वो दादा, दादा हमसे कहते हैं असा हाउलाए अन यकूनू मिनहुम, तवक्को यही है कि ये लोग उन गुलामों में शामिल हैं जिन्होंने कुरैश को तबाह कर रहा है। कुलना तो हम कहते हैं अंता आलम, आपको ज़्यादा इलम है इसलिए कि आप तो सहाबा के साथ बैठते थे ना, इनके दादा खुद तो बेचारे जो है वो पोते हैं, पोता और दादा जो है वो यकसा तो नहीं होते। तो अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, इसके अंदर उन्होंने इशारा किया है कि जो हुकूमत जिसको मिलनी चाहिए ना वो आदमी जो है वो उम्र रसीदा होना चाहिए। और आपको मैं कई वाक़ियात ऐसे बता चुका हूँ कि जो तजर्बा है वो बड़ी शय होता है। लोगों ने एक बात मशहूर की हुई है कि अकल बड़ी के भैंस, तो क्या है देखने को तो अकल तो है, हमारे दिमाग के अंदर है छोटी सी, और ये है कि जो जो भैंस है वो इतनी बड़ी होती है। तो भैंस जो है वो असल में ऐसी होती है बड़ी भोली सी, जिधर उसका मुंह कर दो उसी तरह वो चलती चली जाएगी, हत्ता कि अगर आगे नहर आ जाएगी तो नहर में दाखिल हो जाएगी। भैंस का जो है वो गाय ऐसी नहीं होती, इसीलिए भैंस को तो जो है वो आम तौर पर जो है कहते हैं इसके ऊपर कभी दरिया के अंदर सवारी ना करो। ये क्या करती है कि दरिया के अंदर जाकर बैठ जाती है, जब बैठेगी तो आप तो गए। तो इसलिए जो गाय होती है ना उस पर सवारी करके जो है वो दरिया पार करते हैं सब, ये गाय नहीं तो गिराती इंसान को। चलिए जी अगला बाब यह है, बाब कौल नबी वैलुल अरब मिन शर कद इक़तरब। अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पेशगोईयाँ हैं, पहली पेशगोई जो है वो पूरी हुई है। असल में सूरत हाल ऐसी है कि मरवान के रिश्तेदारों में एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ कलंक का टीका जो है उसको साफ़ किया हुआ है। कौन है बड़ा? उमर बिन अब्दुल अजीज़। और इनकी जो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की माँ है ना वो मरवान की बेटी है। तो अब उमर बिन अब्दुल अजीज़ का नाम आ जाए तो फिर सारे जो है वो ठीक हो जाते हैं। बनु उमैया की आप कोई बुराई बयान करना चाहें तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की शख्सियत मौजूद है, जिन्होंने जो है जितने जुल्म हुए हैं सारे साफ़ कर दिए। सबसे पहले तो अपनी बीवी का जेवर जो है ये बैतुल माल में जमा कराया, फिर अपनी जायदाद जो है वो सारी बैतुल माल में जमा करा दी, और यह है कि जितने करीब करीब के रिश्तेदार थे उन सारी सारों की जायदादों के साथ यही काम किया। तो बिल्कुल वही बात है, वो समझते थे कि ये जुल्म से बनाई हुई जायदादें हैं। वैसे तो इस्लामी हुकूमत के अंदर किसी का माल लेना जो है ये बहुत बुरी बात होती है। अगली हदीस इंशाल्लाह मैं ज़ुहूरुल फितन के अंदर आपको सुनाऊंगा तो इंशाल्लाह ताला आपको इल्म होगा कि किस तरह जो है वो इंसान जब इख्तदार पर होता है तो उस वक्त जो है वो बेतियातियाँ करता है, और जब फिर उसको पकड़ा जाता है तो उसके बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ की जो सियासत है ना ये मिकियावली सियासत है, इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा कामयाब वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा चालाक और होशियार हो। मैं वैसे किसी की को बात जो है वो नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि हुक्मरानों का काम ये होता है कि जब वो आ जाएं तो फिर किसी को जो है सर ना उठाने दें।
चली है ये रस्म के कोई सर उठा के ना चले, तो सर नहीं उठाने देते। मुझे याद है कि अमीर सुल्तान जो वलीयत थे, मेरे साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, तो यहाँ पाकिस्तान में आए तो उस वक़्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है उनकी जो थी हुकूमत थी, तो जब यहाँ पाकिस्तान में आए तो मैंने उन्हें मिलना चाहा, लेकिन वही जो चपरासी वगैरह होते हैं या और जैसे सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उन्होंने मुझे आगे जाने नहीं दिया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। असल में बात यह है कि हुक्मरान को ये पसंद ही नहीं है कि कोई आदमी जो है वो ऐसे मेहमान से मिले। मैं शायद आपको बताया है कि शारजा के हाथ दोस्ती थी मेरे साथ, तो जब वो यहाँ आए तो उन्होंने मुझसे ये बात की हुई थी कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो तुम्हारे पास आऊँगा, तो हमने जो है वो एक तकरीब रख ली थी तकसीम इसनाद की। तो खैर पाकिस्तान आए तो मुझे तो खैर टीवी अपना सारा टीवी के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया, तो मुझे आते ही जब मेरे साथ बैठे हैं तो यानी स्टेज पर, तो मुझे कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं किस तरह आया हूँ। मुझे कहते थे कि हम प्राइवेट जो है उन लोगों को जो है वो आपसे इसलिए नहीं मिला सकते, हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा है, सरकारी दौरा था उनका। तो अब सरकारी दौरे के अंदर जो है मेहमान को अगर ऐसी बात कही जाए तो मेहमान जो है वो खुश होगा, तो उसने हाकिम शाह दे गया बारसुत। अल्लाह ताला जो है वो हमें दीन का खादिम बनाए, बादशाहतें जो है हमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये वाक़ भी सुना चुका हूँ कि अब्दुल मलिक ने जो है वो सईद बिन मुसय्यिब से कहा था कि मेरा बेटा कल को खलीफा बनने वाला है, आपकी बेटी मुझे चाहिए। तो सईद बिन मुसय्यिब ने कहा था कि मेरी बेटी जो है वो हुक्मरानों के लिए नहीं है। सईद बिन मुसय्यिब की बात मैं कर रहा हूँ, तो सईद बिन मुसय्यिब ने जो है उस वलीद को तो इनकार कर दिया, और उसके बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वही जो लड़की देखिए ना, और लड़कियाँ और जो मर्द होते हैं इनका रंग रूंग का फ़र्क होता है, चूँकि औरतें जो पर्दा करती हैं ना उनके रंग मैले नहीं होते आम तौर पर, लेकिन मर्द चूँकि खुले फिरते हैं इसलिए उनके रंग जो हैं वो मैले हो जाते हैं। तो अब जो है वो लड़की खूबसूरत होगी तो ऐसे नहीं ना, असल में अब्दुल मलिक ने जो है, अब्दुल मलिक खुद बड़ा आलिम था, तो ये बनी उमैया के अंदर जो उलमा हैं उनमें से एक है अब्दुल मलिक। तो अब जो है वो एक तालिब इल्म था, उसे कहने लगे कि पूछा उससे तो तेज़ होगा माशाल्लाह जो इलम में तालिब इल्म में अच्छा होगा, तो उसे कहने लगे तुम्हारी शादी हुई है? कहता है नहीं। कहते फिर ऐसा है कि शादी अगर करनी है तो शाम को कपड़े पहन कर आ जाना। तो कपड़े पहन कर जाए कहाँ आना है? मेरे घर। जब वहाँ पहुँचा तो उसे कहा मैंने तुम्हें शादी के लिए बुलाया, हेलो जी दूल्हा आ गया है शादी करो, निकाह पढ़ाया और उसके साथ अपनी बेटी भेज दी। तो ये है असल में ऐसे लोगों की सोच, जो आलिम होते हैं उनको आलिम के अलावा कोई नहीं जचता। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि मेरे दामाद जो है वो आलिम हों, और मैंने ये असल में दर्स लिया है हाफिज़ अब्दुल्ला बुड्ढी मालवी से। हाफिज़ अब्दुल्ला बुड्ढी मालवी जो थे माशाल्लाह बड़े आलिम थे, ख़ास तौर पर कुरान मजीद और सीरत के अंदर इनका एक तखस्सुस था, और इनके इनकी बेटियां भी मुझे पूरा तो पता नहीं है लेकिन इनकी बेटियां कई हैं, और तमाम बेटियों की शादी जो है उन्होंने शुख्ल हदीस से की है बड़े बड़े उलमा से। एक तो अब्दुल रज़ाक साहब थे सांगला हिल में, जो किताबों का कुछ छापते थे और तकसीम भी करते थे, तो एक बेटी वहाँ है। एक बेटी जो है इनकी जो उकाड़े में अब्दुल हलीम साहब शेखुल हदीस थे, एक बेटी उनकी बीवी है। इसी तरह एक बेटी जो है वो अब्दुल्ला अमजद छतवी की बीवी है। इस तरह उलमा से शादियाँ की मैंने कहा ये बड़ी बात है, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ये नहीं देखा, मैंने ख़ानदान नहीं देखा, बल्कि उनके बारे में भी मैंने कतन ये तहकीक नहीं की। इसी मुझे पता था बेचारे तालिबे में तालिबों के पास क्या होता है, तो तमाम रिश्ते मैंने ऐसे कर दिए।
लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे जो है वो इस बारे में मार के मामले में अल्लाह ने मेरी आजमाइश नहीं की। लेकिन वैसे आपको ये बताऊं कि मेरे एक बेटे का तबसरा है, तो मेरे साथ सैर कर रहा था, तो मैंने कहा कि कोई उसकी भी रिश्ते की बात थी कोई बेटी की, तो मैंने उसे कहा कि देखो मैंने जो रिश्ते किए हैं तो ये मैंने को बुरे किए हैं, देखो अल्लाह ताला ने किसी को भी किसी का मोहताज नहीं किया हुआ, तमाम के तमाम जो हैं वो उनमें से कोई भी मोहताज नहीं है। तो जब मैंने ये बात कही, कहता आपने 6 बेटियां जो हैं वो तबाह की हैं, लेकिन बाद में फिर अल्लाह ताला ने वही काम हुआ कि ज़ाहिर दामाद जो है वो साहिब इल्म है। आप समझ गए होंगे, लेकिन इतनी बात ही काफ़ी है। मेरा एक दामाद तो माशाल्लाह मुफ्ती आज़म है, लेकिन वो मुफ्ती आज़म है असल में फेसबुक का यानी मुफ्ती आज़म है, तो इसलिए जो है वो जो बात कहता है ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि उसका कलम बहुत चलता है, वो लिख के मज़मून शाया करवा देता है। और मैं उसे हमेशा टोकता हूँ कि ये जो तहरीरें होती हैं ना, इनको जल्दी नहीं छापना चाहिए। मिसाल भी देता था, अल्लामा इकबाल की जो शायरी है ना 1906 में, उस वक़्त की शायरी जो है वो देखिए और बाद की शायरी देखिए, बड़ा फ़र्क है। और 1906 में अल्लामा इकबाल का सियासी मौक़िफ़ क्या होता था, फिर बाद में क्या बने। असल में जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसको फिर दुनिया देख रही होती है, फिर उसके बाद इंसान और तरह गुफ्तगू करता है, लेकिन ये उसे ये समझ नहीं आती। और वो समझता है कि चूँकि मैं हर चीज़ को देख लेता हूँ, इसलिए मेरे जैसा जो है वो कोई आलिम ही नहीं है। चलिए जी, अल्लाह ताला वास्तव इल्म दे। तो मैं कहा करता हूँ कि यार रिश्तों के दामाद जो हैं वो तो हमेशा अपने आप को कुछ समझते हैं, लेकिन देवबंदियों के दामाद जो है ना वो खादिम होते हैं। आप ये देखिए कि बिन्नौरी टाउन में जिस शख्स ने पूरी जो दरसगाह संभाली है वो मौलाना यूसुफ बिन्नौरी का दामाद था। वो बेचारे जल्द फौत हो गए, फिर दामाद ने गालिबन उनका नाम था अहमद हसन, तो उन्होंने जो है ये बिन्नौरी टाउन का मदरसा। और आपको ये भी बताऊं कि देवबंदियों के जो मदरसे हैं ना, उनके अंदर से क्लास एक ही होती है। उनको जो सनद चाहिए आर्मिया की, उसके लिए उनकी क्या है कि सियासता के अलावा 3 किताबें और भी पढ़ा देते हैं वो साथ, जो इमाम तहावी की 2 किताबें हैं मान आसार और मुश्किल आसार, वो भी पढ़ा देते हैं, और एक मौता जो है वो भी हो जाती है। तो इस तरह 9 किताबें वो पढ़ाते हैं, तो उनके यहाँ तालिब बहुत होते हैं। इसलिए आपको मैं क्या बताऊँ कि जामे शर्फिया ना, अगर आप इस क्लास में जाएंगे ना दौरा हदीस की क्लास में, तो उसके अंदर 500 तालिब इल्म है। अब 500 जो है वो किस तरह बड़े हालों में बैठते हैं, और इसलिए कि उनके यहाँ तो आखिरी जो दौरा हदीस है वो ज़रूरत है, बाकी तो उन्होंने जो है वो ऐसे ही पास किए होते हैं इम्तिहान। अच्छा जी, लेकिन अहल हदीसों में जो है वो सबसे पहले ही होता है कि अपने उस्ताद का जो है वो गला पकड़ते हैं। हमारे गुजरे वाले में बात मशहूर थी कि मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमहुल्लाह वो मौलाना इस्माइल सल्फी के जो थे वो शागिर्द थे, लेकिन ये है कि एक ऐसी मस्जिद थी जो उनके मुकाबले में बनाई गई, उसको बनाया था मौलाना अब्दुल्ला साहब ने। तो इसी हमारे अहल हदीसों में जो है वो सबसे पहले शागिर्द ये चाहता है कि मैं उस्ताद का जो है वो मामला साफ़ कर लूँ। तो मेरे साथ ऐसे वाक़ात हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला मेरी मदद करते हैं। मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी में गया तो मैं मौजूद था, तो एक मेरा शागिर्द था यहाँ 3 साल, मैं उसके मज़मून दुरुस्त कर करके मैंने उसे इस काबिल बनाया कि उसको जो है वो वहाँ की सीट मिल जाए तहकीक की या उस्ताद की। तो उसने खड़े होकर जो है ये कहना शुरू कर दिया कि हदीसों की ना फिका होती है ना कोई उसूल फिका। अच्छा, मुझे ख़ास तौर पर, वैसे तो यासीन जफर भी थे वहाँ, अपना सुहेल अब्दुल फार हसन भी थे और ताहिरुल इस्लाम भी थे, बड़े अहल हदीस उलमा थे। उस इजला मतलब कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस में सब मौजूद थे। तो अब सूरत हाल ये है कि
जब उसने ये बात कही मैंने कहा अच्छा तुम्हें अब जो है वो मुझ मेरे ही मौजूदगी में जो है वो हमला जो हमारे सामने आ गया, तो मैंने आपको बताया कि फिर इंसान इंसान है। तो मैंने उनसे इजाज़त मांगी, मैंने कहा जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, चूँकि इससे पहले जो जलसा था उसके उसका सदर मैं था, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इज़्ज़त की निगाह से वहाँ देखा जाता था। तो जब मैंने इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है आप आइए। मैंने जाते ही उसे कहा, मैंने कहा अच्छा, उसने साथ ही ये भी कहा कि यार अजीज जितने उधर जारी होते हैं। असल में बात यह है कि मौलाना अब्दुलसलाम भुटवी जो हैं वो अपने आप को जारी कहलाते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं करते। मैंने उनका आप जारी हैं, कहते हैं जारी हूँ, और सैयद बद्रुद्दीन शाह राशिदी से उनका ताल्लुक़ है वो भी जारी हैं। तो इस तरह जो लोग हैं, मैं अब मजीद नहीं कहना चाहता, ये तो अलाल इलान जारी है। और एक लड़का ऐसा है जो उकाड़े में है, आलिम उलम तो ऐसा ही है, लेकिन उसने अपने साथ जारी लगाकर आलिम बना हुआ है, मोहम्मद हसन जारी। तो बात मैं कहना ही चाहता हूँ कि ये फिर मैंने जब खड़े होकर ये बात कही, मैंने कहा जी इब्ने आज़म जो है वो आप उसको उसकी वजह से हमें ज़ाहिरी कहते हैं ना, वो इसलिए कि उसने तकलीद की मुखालफत की है। मैंने कहा इब्ने आज़म वो है कि जिसका नाम आता तो हमारे जो असल उस्ताद थे शेख अब्दुलअज़ीज़ बिन बाज़, वो रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि जी आप रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं कहते इब्ने आज़म के ऊपर, कहते हैं उसको जो है वो इख्तलाफ़ का तो हक़ है आइम्मा से, लेकिन आइम्मा को गाली देने का उसको हक नहीं है। अब उसने दो इमामों को गाली दी है, एक उसने गाली दी है इमाम अबू हनीफा को, और एक गाली दी है उसने इमाम मालिक को। तो इमाम मालिक के बारे में तो आप अंदाज़ा करें कि इमाम मालिक के बहुत वजीह आदमी थे, इन्हें इमाम मालिक जो है मदीना में थे तो मामूली आदमी नहीं थे, यानी बादशाह उनके पास आते और जाकर उनसे मशवरे लेते, और जब किसी बात का वो इनकार कर देते तो बादशाह नाफिज नहीं कर सकते थे। तो बड़ी कोशिश की बादशाह ने कि उन्हें मुतमईन किया जाए, जी आपकी मोता जो है वो बैतुल्लाह में लटका देते हैं। इससे पहले कहा जब मोता भी तैयार नहीं थी कि आप एक किताब तैयार कर दें, ये मंसूर ने कही थी, बाद में हारून रशीद ने ये बात कही, तो उन्होंने कहा जी मैं नहीं इजाज़त देता, इसलिए कि मोता जो है वो सारी हदीसें नहीं हैं, उसके अंदर मौकूफ़ मकतूब वगैरह फिर ऐसी बलागात भी हैं मोता में, ख़ास तौर पर मोता में बलागात का एक नुमाया नाम है। बलागाज उसको बोलते हैं कि उसने खुद नहीं सुनी होती, उसको ये बात पहुंची होती है। तो मैं ने जब ये बात कही तो मैंने कहा आप देखिए, अगर आप अहले हदीसों की फिका उसूल फिका ख़ास तौर पर समझ, उसका इशारा था उसूल फिका की तरफ कि जब उसूल फिका कोई नहीं है तो फिका भी कोई नहीं है। वैसे तो अहले हदीसों के मसाइल हैं, फिकी मसाइल तो इनके हैं और इनकी किताबें भी मौजूद हैं, बल्कि मेरे पास तो एक ऐसी किताब थी जो तकरीबन आप यूँ समझिए कि उसके अंदर पूरी मिश्कात का तर्जमा मौजूद था, यानी उसके सात हिस्से थे उस किताब के। तो मुझसे किसी शागिर्द ने मांगी, मैंने उसे दे दी, बस उसके बाद फिर गायब हो गई। उसने कहा जी मैं तो बांग्लादेश भेज दी, अब बताइए मैं आप क्या जवाब दूँ। मेरे पास वो किताब बड़ी नादर थी, तो एक थे मौलाना मोहीद्दीन अहमद कसूरी, नहीं मोहीद्दीन अहमद नहीं थे, अहमद तो जो थे ना वो अंजमन बैत इस्लाम, वो भी खैर रिश्तेदार थे उनके, मौलाना मोहीद्दीन कसूरी नहीं लाहौरी, वो लिखते थे अपने साथ मौलाना मोहीद्दीन लाहौरी। तो इनकी बड़ी किताबें हैं, इनका बेटा जो है अब्दुल हई वो हमारे ननिहाल में से था, और अब्दुल हई जो है वो नासिर था किताबों का। तो लाहौर में चूँकि नौ मुस्लिम थे वो, यानी बाद में मुसलमान हुए इसलिए उनको लाहौरी कहा जाता है, मोहीद्दीन लाहौरी, और उनके बेटे का नाम था अब्दुल हई, अब्दुल हई लाहौरी। अल्लाह मैं अब्दुल हई साहब के घर में गया हूँ, और एक मैं शेर आपको सुना देता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा सूखा दर्द ना रहे। तो वो शेर जो है मुझे अल्लाह का शुक्र है कि याददाश्त ऐसी थी, जब मैं एक दफ़ा पढ़ लेता तो मुझे याद हो जाती। तो वो शेर जो है वो उसके चार मिसरे हैं, तो अगर अल्लाह ताला हर चीज़ का सबक सिखा देते हैं तो चार उसके जो है मिसरे हैं। सफ़र दर पेश है गाफिल, तुझे इस दार फानी से लगा दिल को, न दुनिया से न ऐशे कामरानी से, चलेगा काम कब तक ज़ोर से ज़र से जवानी से, किनारा एक दिन करना पड़ेगा ज़िंदगानी से।
ظاہر ہے کہ علماء کے گھروں میں تو ایسی چیزیں ملتی ہیں نا. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ویسے ہماری بیگم صاحبہ جو ہیں ان کو بڑا ذوق ہے شاعری کا, تو جب میں کوئی شعر پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی غلطی نکال لیتی ہیں, تو میں اسے کہتا ہوں وما علمناہ الشعر وما ہی بغیرہ, شعر کا مجھے ذوق نہیں ہے. چلیے جی, یہ باتیں تو آپ کی اور طرف جا رہی ہیں. اچھا جی, اب اگلی حدیث جو ہے وہ کیا ہے کہ ایسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قول ہے کہ عرب کے لیے خرابی ہے, ویل جو ہے وہ خرابی کے معنی میں بھی آتا ہے, اور ویسے یہ ویل جو ہے یہ جہنم کا ایک طبقہ بھی ہے. فوائد للمصلین, یہ نمازیوں کے لیے جو نمازیں سیداری کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا یہ طبقہ ویل ہے. تو نبی اکرم نے فرمایا کہ عرب کے لیے جو ہے وہ تباہی ہے, من شر قد اقترب, ایسی برائی سے جو قریب آ چکی ہے. اقترب الناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون لاہیتن قلوبہم واسر النجوى الذین, یہ لاہیتن کا جو ہے نا خاص طور پر ہم جب امتحان لیتے ہیں تو ہم اس کی ترکیب پوچھا کرتے ہیں لڑکوں سے. آپ تو ماشاء اللہ ساتھ سے ہیں نا, اس لیے آپ سے نہیں ہم پوچھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی, اب یہ نبی اکرم کا یہ فرمان ہے کہ عرب کے لیے بہر ہے, کیا مطلب کہ یہ جو عرب دنیا کے اندر حکمران ہیں نا, ان کی حکمرانی جو ہے وہ نہیں رہے گی, اور ایسی برائی جو قریب آ چکی ہے. اب ذرا حدیث پڑھ لیجئے. میں ویسے آپ کو اس کے لیے میں نے کل کا وقت جو ہے وہ کافی آپ کو دیا ہے, لیکن وہ اسی لیے دیا تھا تاکہ یہ حدیث میں جب پڑھوں تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینہ انہ سمع زہریہ ان عروۃ ان زینب بنت ام سلمۃ ان ام حبیبہ ان زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن انہا قالت, جی یہ زینب بن جاہ جو ہے یہ آپ کی بیگم ہیں, تو ویسے تو آپ کی جو ہیں وہ لے پالک ہیں زینب بنت ام سلمہ. ام سلمہ کے بچے تھے نا جب اس نے شادی کی آپ سے, تو یہ زینب بن جاہ جو ہیں یہ آپ کی امہات المومنین میں سے ہیں. تو اب امہات المومنین میں سے ظاہر ہے کہ نیند سے بیداری انہیں پتہ ہوتا ہے, تو انہوں نے پھر جو ہے وہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نیند سے جاگے, تو محمرن وجہ ہو, تو آپ کا جب جاگے تو چہرہ بڑا سرخ تھا. یہ چہرہ جو سرخ ہوتا ہے نا, یہ اصل میں انسان کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی اور اس طرح کا کام ہو تو چہرے پر سرخی آ جاتی ہے. تو آپ کیا فرما رہے تھے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ویل للعرب من شر قد اقترب, عرب کے لیے خرابی ہے, ویل ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے, اور وہ شر جو ہے خود نبی اکرم آگے بیان کر رہے ہیں. فوتح الیوم من رد میں یاجوج و ماجوج مثل حاضر ہی, کہ جو یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے نا, اس دیوار میں جو ہے وہ سوراخ ہو گیا ہے. مثل و حاضر ہی اس کی مانند. چلیے ذرا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں, 90 کی شکل بنائیے ذرا. لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 کی شکل بنائی. عرب لوگ جو ہیں وہ انگلیوں پر گنتے ہیں, کسی کو یاد ہے 90 کی گنتی؟ ماشاءاللہ یہ قاری صاحب کی ماشاءاللہ یاد بڑی اچھی ہے. ہاں جی بتائیے 90 کی گنتی کیا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ تو ماشاءاللہ جو یہ انگلی اٹھانے کی وقت ہوتی ہے نا, وہ بھی نہیں پتا ہونا. ہاں جی نہیں, ایسی نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو آپ کی انگلی ہے نا, اس کو یہاں رکھیں, یہ دیکھیے, یہ 10 ہے,
नहीं नहीं आप तफसीली जो है वो छोड़िए, देखिए जो है ना पचास, ये पचास है, ये जो आप कह रहे हैं ये पचास है, और पचास के साथ देखिए ये इक्यावन बावन तिरपन, जब आप ये करेंगे तो तिरपन का की शक्ल बनाएंगे आप। इसीलिए हदीस में आता है कि तिरपन की आपने जो है वो गिरा बनाई जब आपने उंगली उठानी होती, तो ये उंगली उठाते वक्त आपने ये गिरा बनाई है। अब अगर ऐसे आदमी बैठा हो तो ऐसे ऐसे करी जाए, ये तो कोई गिरा नहीं है, पचास की गिरा। खैर ये तो ठीक करते हैं, मुझे उंगली जो हिलाने थे, अब चूँकि बार 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 मैं देखता हूँ इसलिए मुझे पसंद नहीं आती ये चीज़। अच्छा चलिए जी, अच्छा जी, मैंने यहाँ नब्बे की गिनती जो है वो ये है, असल में ये है यहाँ, यहाँ अगर आप जो है ना अपनी उंगली का सिरा आगे रख लें और अंगूठे की जड़ में, तो ये नब्बे है। और ये नब्बे क्या है, अब ये वैसे गोल हो गया, नहीं जब आप जड़ में रखिए ना, जड़ में रखिए बहुत, हाँ पूरे जड़ में। अब ये देखिए इसको साथ रखें, अंगूठे को साथ में लाएँ तो क्या होगा, जड़ में रखिए तो ये सौ है। हाँ जी, ये सौ नहीं, सौ तो इस पर है, सौ इस हाथ में है ही नहीं। चलिए जो कुछ भी है, तो वैसे साफ सी बात है, मुझे ये सारी गिनती बहुत याद थी, लेकिन अब मैं भूल गया हुआ हूँ। मुझे पहाड़े बहुत याद थे, पहाड़े ये जो पहाड़े होते हैं ना, बीस तक के पहाड़े, ये मुझे बहुत याद थे जब मैं अभी तारबलम था, तो बल्कि बहुत सी किताबें जो मेरे दोस्त साथी हैं वो मुझे कहते थे कि ये अब आ गई है हिसाब की बात, तो इसका तर्जमा आप कर दें, ये जो है ना, ये फिका अरबा जो है उसके लिए किताब है जो औकाफ ने छापी है, उसके अंदर फिका है, इमामों का हवाला भी है, लेकिन असल वो फिका है, बिदायत मुजतहिद तो इमामों के हवाले से है ना, फिका मज़ाहिब अरबा। तो इस किताब के अंदर जो बाब है ना, ख़ास विरासत के मसाइल और इस तरह के बहुत से मसाइल, उसके अंदर गिनती बहुत आती है, जैसे कि आपने किताबुल हीला के अंदर देखा था ना, वहाँ किस तरह जो है वो हीलों के अंदर वो गिनती की बात होती थी। तो इस तरह जो है वो उन्होंने मुझे कहा कि इसका तर्जमा फिर आप कर दें, मैंने हमारे साथी थे मंदूर हसन अब्बासी, तो अल्लाह के पास चले गए, लेकिन मुझसे काफ़ी उम्र के भी बड़े थे, लेकिन मौलाना मंदूर हसन अब्बासी ये असर में होते थे दयाल सिंह कॉलेज लाइब्रेरी में, और इनका बड़ा अच्छा ज़ौक था इल्मी। फिर इसके बाद मौलाना अब्दुल मतीन आए तो उनका भी बड़ा इल्मी ज़ौक था, लेकिन फ़िक़्ह इन्फ़ी तक बस। लेकिन ये जो थे ना मंजूर हसन अब्बासी, ये कुछ रवादारी रखते थे, तो ख़ास तौर पर मेरे साथ उनका ताल्लुक था। अल्लाह की कुदरत, उन्हें बहुत ज़्यादा बवासीर की तकलीफ़ थी, मुझे भी है, लेकिन वो तो उसी से अल्लाह के पास चले गए। ये बवासीर की तकलीफ है, बहुत ख़तरनाक तकलीफ़ है, ये मामूली नहीं है। बादशाहबा को ये तकलीफ थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए जाया करते। इसके अंदर जो है वो जो होते हैं ना वहाँ दाने बवासीर के जो मस्से होते हैं वो फूल जाते हैं, तो इजाबत जो है वो उस वक़्त तो खैर ज़ख़म भी होते हैं इजाबत के वक़्त, लेकिन फिर बाद में जो इसकी तकलीफ़ रहती है ना, हत्ता के बैठा नहीं जाता। बस अल्लाह ताला जो है वो इंसान को जो है वो आफियत दे। चलिए अब याजूज माजूज जो है वो दो कौमें हैं, मैंने कल आपको बताया था कि इनको गे और मे गे अंग्रेज़ी में इनके ये नाम हैं। तो मिसलो हाजी ही कमाना ये है कि आपने व अकदा सुफियानो तिसईना, सुफियान ने जो है वो ये नब्बे की जो है वो हाँ नब्बे की गिनती की है। असल में पहले तो चलती है ना गिनती
20 तक, तो 20 के बाद फिर जो है वो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर उसकी निशानियाँ हैं। बाकी तो जो देखें ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 है, और ये 7, 8, 9, नहीं ये 9 है। मैंने बताया कि पहले मुझे ये चीज़ें याद थी, अब उतनी अब भूलती हैं, तो इसलिए मैंने भी आपका तरह इम्तिहान लेना चाहा, और मुझे पता था कि कोई ना कोई आदमी बता देगा, लेकिन माशाल्लाह मुफ्ती आज़म जो है वो इस मामले में जो है वो हमारे पीछे लगते हैं। हैं अच्छा जी, चलिए अब कहते हैं कि जवाब क्या मिला, अन्ना देखो वफीन सालिहून, क्या हम हलाक हो जाएंगे और हमारे अंदर नेक लोग भी होंगे। काला नाम, कहाँ हाँ, इज़ा कसर अल खबास हो, जबकि खबासत जो है वो बहुत हो जाए, यानी तैयब और खबीस जो है ये दो अलग, तैयब का माना होता है पाकीज़ा और खबीस का माना होता है नापाक भी और नफरत वाली चीज़ भी। मसलन ये जो चूजी चूहा है ना, चूहा, इसको खबीस कहते हैं आम तौर पर। तो अब बताइए कि हम लोग तो चूहे छुपकलियाँ वगैरह नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उनके नज़दीक तो ऐसी है कि मैंने एक तस्वीर देखी, वीडियो ही थी, उसके अंदर उसने जो है वो इसे मोटा चूहा पकड़ा हुआ है, बहुत मोटा, और उसने जो है वो उसका मुंह जो है वो अपने अंदर डाला और उसकी गर्दन से जो है दांतों से काट कर वो मुँह चबाने लगा। हकीकत यह है कि इतनी नफरत आई कि मैं उसको ज़्यादा देर देख नहीं सका कि यह चूहा चूहे का साथ चबा रहा है। तो असल में लेकिन उनको समझ आ गई, चीन को, उन्होंने क्या किया कि जब ये कोरोना बहुत फैला है तो उन्होंने जहाँ बिल्लियाँ और कुत्ते बिकते थे ना, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें होती थी, चमगादड़ भी बिकते हैं, और ये है कि सांप भी, और ख़ास तौर पर जो सांप का जो है ना यखनी, और इसी तरह चमगादड़ की यखनी, ये बड़ी महंगी बिकती है वहाँ, और लोग जो है ये जिन्होंने अपनी दौलत दिखानी होती है वो ये यखनियाँ पीते हैं, और ये असल में वायरस जो है ये आया वहाँ से है। अल्लाह तो मैं कभी कहता हूँ कि अगर सिर्फ ये पाक जो है और नापाक के मुतल्लिक जो है ना ये लोग समझ जाएं, तो इसी से जो है वो इनको हिदायत हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे लोग होने चाहिए जो इनको समझाएं कि भी इस्लाम ने कहा युहिल लकुम अत्तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइथ, उनके लिए जो है वो अल्लाह ने जो है वो पाकीज़ा चीज़ें हलाल की हैं, और ना और जो खबस चीज़ें हैं उनको नापाकी है। मसलन अब ये छुपकली है, यानी वैसे इस छुपकली के अंदर इतना जहर है कि अगर ये किसी बहुत बड़े देगचे में या देग में जो है वो गिर जाए, जितने आदमी खाएंगे तमाम के तमाम जो है वो जहरीले हो जाएंगे इतना, लेकिन वो जहरीला हिस्सा जो है इसका काट के फेंक देते हैं, जैसे सांप का भी जहरीला हिस्सा जो है वो काट के फेंक देते हैं, बाकी की यखनी बड़ी शानदार होती है, बस मैंने नहीं देखी वैसे। लो जी, मैं ऐसे में थोड़ी सी इस तरह की बातें इसलिए आपको बता देता हूँ ताकि रुखा ना रहे ये हमारा दर्स। अच्छा जी, अब ये जो बात है ना कि अब इसकी याजूज माजूज के साथ मुनासिबत है, मैं आपको जो तफसील नहीं बताता, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमने जो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जो मुज़ाकरा किया था ना पेशकोइयों के बारे में, याजूज माजूज जो हैं ये कोई आसमानी मखलूक नहीं है, ये ज़मीनी मखलूक हैं, लेकिन ये वो वाशी हैं जो बर्फानी इलाकों में रहते थे, और ये जो बर्फानी इलाके हैं ना, ख़ास तौर पर रूस, चाइना, तुर्की जो है वो भी, तो जो इस तरह के बर्फानी इलाके हैं वहाँ का आप रीछ देखिए, वहाँ का रीछ भी जो है उसके ऊपर कितने ज़्यादा बाल होते हैं, तो बर्फानी रीछ इस तरह, और वहाँ जितने भी जानवर हैं उनके ऊपर बहुत बाल होते हैं क्योंकि वो सर्दी से उनको बचाते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ये लोग जो थे ना वो चूँकि पढ़ने लिखने वाले तो लोग थे नहीं,
और ये अगर रहते भी तो पहाड़ों की गारों में। लेकिन मैं एक बात पर हैरान होता हूँ, जो मैंने कल आपको हदीस सुनाई थी कि एक एक हज़ार में से एक तो जन्नत में जाएगा, 999 अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो याजूज माजूज से पूरे किए जाएंगे। अब ये इसका माना ये है कि एक के मुकाबले में 999 तो गुनाह होता है ना, 999 गुनाह अगर एक को आप ज़रब दें 999 से तो 999 बने ना, तो वो यानी जन्नतियों के मुकाबले में जो है वो अगर उनकी 999 हो, इतनी बड़ी तादाद हो तो हैं कहाँ। तो मगर मैंने इस सिलसिले में जो है वो अल्लाह तौफीक दी तो मैंने इब्ने कसीर को और इब्ने जरीर, जब इसको जो है वो देखा कि उन्होंने जो है वो इनके बारे में जो है वो अलग तहकीक पेश की है। वो कहते हैं कि याजूज माजूज जो है ना ये इस वक्त किसी दीवार के पीछे नहीं है। वैसे मैं दीवार की मैंने कल आपको जो है वो गलत बता दिया था, 29 फुट दीवार नहीं है बल्कि 290 फुट है। क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि 29 फुट तो इतनी बड़ी दीवार नहीं है, अगर आदमी जो है वो एक दूसरे के ऊपर खड़े हों तो इस तरह जो है वो उसके हाथ डाल सकते हैं। तो बार तो ये एक मील लंबी दीवार है, एक मील लंबी, और जो है वो 290 फुट है और चौड़ी है 10 फुट। अब 10 फुट जो दीवार होती है उसके ऊपर तो टांगे भी चल सकते हैं। और इस तरह जो है अब ये किला जो है ना, किला लाहौर जो है, आप अगर गए हों तो वहाँ आप देखिए कि उसके ऊपर टांगे भी चल सकते हैं, यानी किले की दीवारें इतनी मोटी होती हैं। तो असल में जो ज़ुल्करनैन है, ये जो सद भी आया है रदम भी आया है, तो ये जो उसने दीवार बनाई थी ना, ये बनाई थी लोहे की चादरों से, और लोहे की चादरों के अंदर जहाँ कोई आ जाता था ना दरार, तो वो तांबे को पिघला कर, शायद तांबा जो है वो पिघलता नहीं, बहुत मुश्किल से पिघलता है, और ख़ास तौर पर जो है जो होते हैं ना सोना तैयार करने वाले लोग, उनको तांबे का कुश्ता बनाना पड़ता है। तो कहते हैं कि ये कुश्ता नहीं तैयार होता, बड़ी मुश्किल है तांबे के बारे में। तो इस तरह से जो है वो इन्होंने तांबा पिघला कर जो है वो सारी उसकी दरारों में डाल दिया, यानी वहाँ से अब आप यूँ समझिए हवा भी नहीं आती। इस तरह जो है वो दीवार, और 10 फुट चौड़ी दीवार को मामूली तो नहीं होती ना, और फिर हो लोहे की चादरों की। अच्छा जी, तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है वो इसके बारे में जो है जी मैं बताता हूँ भी, मैंने कल आपको बताया था कि एक इलाका है दरबंद। दरबंद जो है ना, ये दरबंद जो है वो एक आप ऐसा ये समझिए कि दरबंद जो है वो एक दरिया के किनारे है, और इससे जो है वो दरबंद के ये करीब है, और दरबंद जो है वो इलाका तुर्क का है, यानी तुर्की का इलाका है ये। और लेकिन अब जो है वो रूस ने उस पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है। लेकिन आप बताया ना कि आज़रबैजान वगैरह ये सारे जब रूस का कब्ज़े के बाद रूस बिखर गया, तो ये तकरीबन जो है वो 9 रियासतें मुसलमानों की बनी थी रूस के वहाँ से इख्तदार के बाद। लेकिन अभी तक रूस वहाँ मौजूद है, लेकिन अब वो बहुत छोटा हो गया है। 9 रियासतें जब उसके आसे निकल गई, बाकी क्या रह गया। तो मैंने आपको ये बताना है कि मुसलमान बादशाहों ने इसके लिए जो है वो मेहनतें की हैं, यानी इस दीवार के बारे में। ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोग जो है, उन दिनों सवारियाँ भी ऐसी नहीं होती थी, इसलिए पैदल सफ़र जो है वो लोग इतना करते थे, और पैदल सफ़र जो है मक्का मदीना का सफ़र पैदल होता था। तो इस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में 22 हिजरी में तो एक जो है वहाँ से वफद गया था, और वो जो वफद है उसने फिर ये जगह तलाश की, और ये जो दीवार चीन है ना,
ये और है, ये दीवार चीन नहीं है, ये जो है ये दरबंद के पास है। तो दरबंद मैंने आपको बताया कि ये इलाका है, इसको अरबी ज़बान में कहते हैं बाबुल अबवाब, अबवाब अबवाब भी कह देते हैं, बाबुल अबवाब। तो उसके बारे में जो है वो फिर जो है वो उन्होंने देखकर, उस दौर में तो ज़ाहिर है कभी वसाइल ज़्यादा नहीं थे, तो ये सन 22 हिजरी की बात है, यानी हज़रत उमर का ही दौर था ना, इसलिए कि जो 12-13 हिजरी है वो तो अबू बकर का दौर है, तो उसके बाद फिर आप आगे लगा लीजिए 8 साल तो हज़रत उमर का दौर बनता है। तो इस तरह से जो है वो एक तो हज़रत उमर के दौर में लोग गए थे और वो इसको जो है वो तलाश करके आए थे। अच्छा, उसके बाद फिर तकरीबन 200 साल बाद एक बादशाह था गालिबन ईरानी, तो उसने फिर 50 आदमी जो है ना भेजे, और वो 50 आदमी जो है फिर वहाँ तक पहुँचे, और इस वक्त की जो तफसीलात हैं वो 50 आदमियों की है कि दीवार का नामो निशान नहीं था, और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उमर के ज़माने में जो लोग गए थे, लेकिन असल में उनकी रवायत को पक्की नहीं है, ये तो मोजम्मल बुल्दान की रवायत है ना जो आपको बता रहा हूँ, ये 22 हिजरी की भी मोजम्मल बुल्दान की रवायत है, और आपको पता है कि उन दिनों जो है वो मुसलमानों ने तारीख लिखी तो वो भी संदों के साथ, जुग्राफिया लिखा तो वो भी संदों के साथ, ये मोजम्मल बुल्दान जो है जुग्राफिया की किताब है, जुग्राफिया जो है वो बनता है ना ज़मीनों का, और इस तरह से ज़मीनों की पैमाइशों से, जिसमें पैमाइश ज़्यादा होती है जुग्राफिया होता है, तो इसलिए दो इलम जो है वो खासे मुश्किल हैं, एक रियाजी और एक जुग्राफिया। तो चलिए जी, दीवार नहीं थी जी, हाँ नहीं थी, हाँ जी, पता कैसे चला, ये निशान थे दीवार, हाँ दीवार के निशान थे। नहीं, डॉक्टर इसरार की बात नहीं मैं कहूँ, डॉक्टर इसरार तो और बात करता है, याजूज माजूज के बारे में जो है वो इब्ने कसीर इब्ने जरीर भी इसी के कायल है, और वो अब ये जो 200 साल बाद फिर एक बादशाह ने वहाँ 50 आदमी भेजे हैं, उन्होंने तो एक एक चीज़ बताई है कि ये उसके निशानात हैं, दीवार नहीं थी निशानात थे, तो उन्होंने उसकी पैमाइश भी की है, और उस पैमाइश के मुताबिक वो 1 मील लंबी दीवार थी और 290 फुट ऊँची थी और 10 फुट चौड़ी थी, 290 फुट। अच्छा। और देखिए ना, हाँ जी, पहाड़ों, असल में बात यह है कि उन्होंने ये बयान किया है कि वहाँ ये लफ्ज़ दर्रा नहीं है, दर्रा है, दरे जो है ना वो छोटे छोटे हैं और उसमें कोई लश्कर नहीं गुजर सकता, तो ये दर्रा जो है ये दर्रा बड़ा था, और इधर से वो लोग जो है ना मंगोलिया वगैरह ये सारे जो है वो रूस और चाइना के जो लोग थे और तुर्की के लोग भी इन्हीं में शामिल थे, तो वो हमलावर होते थे, तो इसलिए वहाँ जब ज़ुल्क़रनैन पहुँचे हैं तो ज़ुल्क़रनैन के 3 सफ़र हैं, एक है मगरिब की तरफ तो और एक मशरक़ की तरफ। अब चूंकि पैदल सफ़र थे और उसके बाद जो है वो समुंदर आ गए, तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जो है वो ये दुनिया ख़त्म हो गई और सूरज जो है वो ग़ुरूब हुआ उनकी नज़र में एक कीचड़ के अंदर, हालांकि वो समुंदर था, कीचड़ कहाँ था, लेकिन वो कीचड़ ऐसा था कि बहरा उकयानूस था, तो बहरा उकयानूस जो है वो उसके अंदर जमाव बहुत है, बर्फ़ उसके ऊपर जमती है, फिर एक कई होती है वो उसके ऊपर जमती है, तो इस तरह से यूँ मालूम होता है जैसे ये कीचड़ है। तो बहरहाल काहिर जो है वो सबसे बड़ा है, वो असल में ये तो अमेरिका के शुरू में आके जो है वो बहर उकयानूस ख़त्म हो जाता है, और वो है अमेरिका से शुरू होकर जो है वो बहर हिंद भी उसमें शामिल है, बहर काहिर के अंदर, दुनिया जो है वो सब सफ़र करने का वाले के मुताबिक गोल है। तो यही लोग हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सूरत हाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद कहाँ हो सकती है, यानी आम जो लोग हैं जो याजूज माजूज में शामिल नहीं है, याजूज माजूज तो तकरीबन जो है वो 999 गुना ज़्यादा हैं, तो इतनी बड़ी इंसानों की तादाद जो है वो बंद रह सकती है, आप पहले ये बताइए कि ना वो बंद रह सकती है और ना
ये लोहे की दीवार है उसको चाटा जा सकता है। आप बताइए कि चाटने वाले जो लोग हैं क्या आपकी ज़बान खुश नहीं होगी? चाटते हो, अब कहने को बात तो हो गई है चाटने वाली ज़बान, लेकिन चाट चाट कर जो है उन्होंने एक सुराख कर दिया है। तो असल में ऐसी जो रवायतें हैं ना वो उस मेयार की नहीं है। तो इसलिए जो है हमने जो उसके अंदर पेशगोइयों के बारे में फैसला किया था वो ये कहा था कि ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत देर बाद आएंगी और उनके बारे में जो है बाद मुगालते जो हैं वो रावियों को होंगे। तो असल में जो ऐसी रवायतें हैं उनके अंदर जो है वो ज़रा गौर से देखा जाए। फिर हमने बड़ी बात की है उसके अंदर, बल्कि हमने ये कहा है कि सहाबा ने इसकी ताबीर की है। अब्दुल्ला बिन मसूद और अब्दुल्ला बिन अब्बास का इख्तलाफ जो धुएँ के बारे में है ये वो भी हमने पेश किया। फिर इसके बाद जो है वो ये हमारे सामने वाक़ आया, तो हम जो उसकी रिपोर्ट है वो आप इसे माशाल्लाह आपका शौक़ तो बहुत वाफर है, वो रिपोर्ट मेरे ख्याल में आपने अभी तक नहीं पढ़ी, तो वो रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे तो उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बयान नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैंने वहाँ बड़ी मेहनत की हुई है रिपोर्ट में। तो फिर मैंने ये जो सोना है ना दजला और फरात, यानी इन दरियाओं के ये सोना उगलेगा, मैंने कहा है कि वो रवायत जिसके अंदर कंज है ना, असल रवायत वो है। वो इसलिए समझ आ रहा है कि कंज के अंदर तो सोना ना भी हो, मसलन ये तेल है, पेट्रोल है, ये भी कंज है। लेकिन अगर आप कहेंगे ना सोना है, तो सोना तो फिर एक दात मखसूस है। हाँ, उसने कंज को जो है वो उसकी तख़सीस कर दी है इसी रावी ने। और ऐसे काम तो जो हैं वो रिवायतों में होते हैं, बल्कि इमाम बुखारी देखे ना किसी जगह यकीन से बयान करते हैं और किसी जगह जो है वो जन के सीगे से बयान कर देते हैं, हंसे भाई हंसे वो जो है ये जन का सीगा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हदीसों के मुकाबले में समझ आ जाती हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उलमा ही थे, बल्कि एक बात पर तो उलमा अड़ गए, वो इस बात पर अड़ गए कि सारे के सारे इसके लिए वो उसूल तकरीबन इस्तेमाल कर रहे थे जो अस्मा व सिफात के बारे में होते हैं कि अलमाना मालूम अल कैफ मजहूल अस्वाल वन होदा। हमने कहा असल में वो जो है ना वो इलाहियात के बारे में उसूल है, पेशगोइयों के बारे में ये उसूल नहीं है। पेशगोइयां तो इंसानों की हैं, पेश आने वाली हैं। और इसी तरह जो माजी बईद है उसके बारे में भी जो लोगों ने कहा है कि भाई अब ये पहले बंदर थे और ये अभी, किसने जो है वो दौर देखा है? अब साइंस जो है जिस चीज़ का मुशाहदा ना करे उसके बारे में जो है वो इर्तका की बात तो लाखों सालों में पूरी होती है। इर्तका की बात इसलिए कि पहले ये था ये कुछ और था, पहले इसको बनाया है कि छुपकली और छुपकली के बाद फिर कुछ और, फिर उसके बाद जो है वो बंदर, और फिर उसके बाद कहा कि ये बन मानस और बन मानस है जो है वो इंसान बन गया। क्या है, जिस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया गया वो ख़त्म होती रही। अब ये लाखों सालों की बात बनती है, अब लाखों साल किसी की उम्र है जिसने डार्विन ये तोड़ दिया था ना इस बात को? नहीं, ऐसे बहुत तोड़ा है, लेकिन आज तक पूरी मेडिकल जो है वो डार्विन की थ्योरी पर चल रही है। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, हमारी जो जदीद मेडिकल है ना उसके अंदर जितने तजर्बे होते हैं वो जानवरों पर होते हैं, इसलिए कि उनके नज़दीक इंसान जानवर से है। इसलिए वो जो उसूल उनके बन गए हैं ना फ़लासफा के पुराने, वो इन उसूलों को नहीं छोड़ते। तो इसलिए अब जो किताबें हैं, मिसाल तौर पर अब डॉक्टर रफीउद्दीन जो थे ये बड़े एक नेक ख़ानदान से थे, नहीं नदवा के नहीं थे, ये थे असल में जो ग़ुलाम रसूल किला मियाँ सिंह वाले हैं ना, ये मौलाना अब्दुल्ला गज़नवी के साथी थे। और ये जो इलाका है ना, तो इस इलाके में जो है वो मौलाना ग़ुलाम रसूल का बड़ा असर था, ये ख़ास तौर पर ये इलाका। तो इसके करीब एक इलाका है जहाँ मैंने कल आपको एक शेर सुनाया था ना, जिसके बाद मैंने जो रंग लगाना छोड़ दिया। तो इस इलाके को जो है वो पुराने नाम बहुत हैं, ये जो साहिवाल का नाम है लंबा, इसके करीब लंबा एक इलाका है, और वहाँ की जो ख़ास तौर पर जो बैल गाय वगैरह होती हैं वो ज़रा बड़ी होती हैं। तो इसी तरह उत्थे ये इलाका जो मेका है ये गालिबन इधर है, मतलब है शाहदरा की तरफ आगे जाके। उन्होंने जरा शेर पूरा लिखा सी ना, तो पहला मिसरा ऐसी जा आखी मैं दे टगे नूँ,
जा, हाँ जी हजरत, जा आखी मैं दे टकेरूँ, मैं वो इलाका है जो पुराना इनका नाम है, तो जा आखी मैं दे टकेरूँ, क्यों काला करना है बगेरूँ। अच्छा अगे फिर दूसरा मिसरा की है, मुड़ जद मुड़ एक दिन मरना है, ये पंजाबी खालिस, जद मुड़ एक दिन मरना है फिर क्यों मुँह काला करना है, ये काला करना मुँह जो है ना इसके अंदर एक सबक है उसे, वो यानी गोया कि उन्हें यह बताया है कि ये जो रंगने वाले हैं ना इनके मुँह काले होंगे। जी उस वक्त लोगों ने यही कहा था यजनी मौजूद है, हैं जब हलाकू ने बगदाद पर हमला किया जी, तो उस वक्त लोगों ने यही समझा था कि यजनी मौजूद है। नहीं देखिए अंदाजे जो होते हैं ना, असल में ये एक बड़ी नहीं बड़ी कौमें हैं, ये कोई छोटी सी कौमें नहीं। देखिए ना जिनसे अल्लाह ताला ने जहन्नम भरना है, और ये देखिए कि ये जो यूरोप और अमरीका सारा, मेरा ख्याल ये है कि ये तुर्की से लेकर सारा यूरोप अमेरिका जो है वो याफिस की औलाद है, और याजूज माजूज भी याफिस की औलाद है, तो इसलिए याजूज माजूज के बारे में तो मेरी जो तहकीक है वो यही है कि याजूज माजूज जो है वो निकल चुके हैं, और वो दीवार जो है वो गिराई जा चुकी है, या उन्होंने वो दीवार भी उन्होंने गिरा दी क्योंकि उनके लिए रुकावट थी, तो उसके बाद जो है वो अब दीवार मौजूद ही नहीं है, सिर्फ उसके निशानात मौजूद हैं। तो इसलिए जो दो दफ़ा लोग गए हैं, एक तो 22 हिजरी में और एक दफ़ा जो इसके कोई 200 साल बाद जो है वो लोग 50 आदमी गए हैं, और उन 50 आदमियों ने जो आकर जो ख़बर दी है पूरी, वो सारे निशानात बताए हैं कि ये एक मील लंबी है और 290 फुट जो है वो ऊँची है और 10 फुट जो है ये चौड़ी है, लेकिन वो दीवार मौजूद नहीं है, उसके निशानात मौजूद हैं। तो ये लोग जब आए हैं तो पहले तो ये जांगली लोग थे ना, तो ये जांगली लोग जो हैं ये ऐसे होते हैं कि जो इंसानों को खा जाते हैं, आपको बताऊं ये जांगली लोग जो हैं, मैं आपको बताऊं कि असल में जो पेशगोइयाँ होती हैं ना उसमें जो है वो, अगर आप ये चाहें ना कि इस वक्त जो मुसलमानों को मग़लूब करके जो काफरों की जो है वो काफरों का जो गलबा है, आप ये देखिए कि कोई सलामती कौंसिल में कोई मुसलमान हुकूमत है, अब सलामती कौंसिल वो है जिसने दुनिया के फैसले करने हैं, यानी अगर वो फैसला करते हैं ना कि फ़लाँ इलाका तबाह कर दो, वो फैसला करते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर दो, तो पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया जाएगा, और ये काम हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर इराक के अंदर क्या कुछ हुआ है, फिर लीबिया के साथ क्या हुआ है, और ये सारे इलाकों में क्या हुआ है, असल में हर जगह पर आप देखिए कि अमेरिका की साजिश है, और ये जो कोरोना है ये भी अमेरिका की साजिश है, ये अमेरिका की कोशिशों से ईरान को और इन लोगों को मुल्कों को पहुंचा है, और इसकी असर जो फैलने की वजह है वो ये है कि ये जो है लोग जो कोरोना से मुतासर थे वो पाकिस्तान आए हैं, तो ये जो लोगों ने अपने घरों की तरफ सफ़र किया ना उनकी वजह से ये बीमारी फैली। तो बात वो एक और मसला शुरू हो जाएगा, मैं बताना ही चाहता हूँ कि याजूज माजूज जो है ये कौमें जो है निकल चुकी हैं, इसलिए कि इतनी बड़ी कौम जो है वो इस तरह नहीं रह सकती जो है कि दीवार टूटे कोई ना, और फिर ये है कि वो आए कहाँ से, ज़ाहिर है कि वो इसी दरा से आए हैं। हाँ जी बनने का, नहीं नहीं ये हदीसें आप ज़रा इन सारों को इकट्ठा करें, मैं इंशाल्लाह इकट्ठे कराता हूँ, इन हदीसों में वो मेयार नहीं है, इन हदीसों का वो मेयार नहीं है, और ख़ास तौर पर हैं जी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप निकालें हदीसें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इनकी तौजीह बयान करूँगा, जैसे मैंने अब कंज की तौजीह आपके सामने रखी है ना जी। जी 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 और उसके बाद हुजूर रहेंगे, ईसा अलैहि सलाम के पास चंद साथी होंगे वो लेके पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। मैं आपको एक बात कहूँ, याजूज माजूज जो हैं जब ये इधर फैल गए हैं तो उस वक्त भी वो याजूज माजूज हैं, ये नहीं है कि असल में पता बात क्या है, ईसा अलैहि सलाम के ख़िलाफ़ जो है
याजूज माजूज सारे नहीं, अगर एक हिस्सा भी जो है वो, क्योंकि ये बहुत लड़के लोग हैं ना, इसी तरह जंगली जो लोग होते हैं ये बड़े ख़तरनाक होते हैं लड़ने में, तो इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो सिख जो होते हैं ना उनको बहुत लड़ाका समझा जाता है, इसलिए कि हमारे ख़ानदान की सिखों के साथ बेशुमार लड़ाइयाँ हैं, हमारे ख़ानदान ने सिखों से ज़मीनें छीन कर जो हैं, तो ये कबीरपुर की बात है, हमारा असल इलाका कबीरपुर है, तो कबीरपुर के अंदर जितनी भी हमारी ज़मीनें थी वो सिखों से हमने छीन कर जो है वो आबाद की थी, और उसमें जो थी वो रावी का एक हिस्सा था सक्की उसको कहते थे, और उसमें हमारी फूफी जो है वो डूब गई थी, जो है हमारी एक ही फूफी थी वो डूब गई थी, तो इस रावी के अंदर ये हमारे जो रिश्तेदार है ना, ये अब्दुल गफ़ार अब्दुल वहाब के दादा, और ये इसी तरह जो है वो और हमारे रिश्तेदार हमारे वालिद के जो हैं वो ये जो भाई थे बड़े थे वालिद साहब से अब्दुल वाहिद, तो वो जो है वो खेती बाड़ी का काम करते रहे, यहाँ भी अब तक उनका ख़ानदान खेती बाड़ी का काम करता है, इनके बड़े भाई जो हैं उसका उनका नाम अब्दुल रज़ाक है, वो ज़मीनों को संभालते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि ये लोग जो है वो सक्की से, यानी सक्की के अंदर इन्होंने बेड़ियाँ चलाकर जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, तो शायद ये सक्की जो है वो शायद सियालकोट के करीब कहीं मिलती है, जहाँ सक्की उसको बोलते हैं जो दरिया से कोई चीज़ जो है वो अलग निकले। और चलिए जी, तो मैंने आपको ये बताया है कि याजूज माजूज का अगर एक हिस्सा भी हमलावर हुआ हो ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी ये याजूज माजूज उसी वक्त निकले। असल में पता बात क्या है, जब इंसान इलाकों में फिरता है ना तो फिर उन चीज़ों का सामना हो जाता है, जैसे ज़ुल्कर्नैन गए हैं ना, सफ़र किया है, और उनके लिए जो है वो अब ये सारा जो सफ़र है उनकी आंखों का देखा हुआ है, तो अब यह है कि अगर ज़ुल्कर्नैन ये कहते हैं कि सूरज गुरूब हो गया और सूरज जहाँ से निकला मैं वहाँ तक गया हूँ, असल में वो भी तो नज़र का धोखा है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, नहीं देखिए इसकी अगर यूँ बात करें ना कि याजूज माजूज का हिस्सा ही है वो, देखिए ना अब ये सारे लोग अब तो वतन की तरफ मंसूब है ना, इंग्लैंड वाले इंग्लैंड की तरफ, नार्वे वाले नार्वे की तरफ, लेकिन अगर इनकी कौम और बरादरी देखें तो याफस की औलाद है ये, और याजूज माजूज भी याफस की औलाद है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस एक वक्त दुनिया पर गालिब आएगा? नहीं, रूस नहीं, अब तो ये फैल कर अमरीका वाले भी सारे यही हैं। असल में आपको बताऊँ ना कि ये जो यूरोप और अमरीका है ये सारे का सारा याजूज माजूज फैली हुई है, तो इस ये सुपर कुफ्ते जो हैं, मैंने आपको भी बताया था सुपर कुफ्ते जो हैं उनमें मुसलमान कोई भी नहीं है। अब देखिए ना, सुपर कुफ्तों में 5 वो कुफ्ते हैं कि अगर वो वीटो कर दें तो पूरे का पूरा इलाका जो है वो वीटो की वजह से जो है वो बच सकता है। अब अमेरिका क्या कर रहा है, इसराइल को किस तरह बचाया हुआ है, जब कोई करारदाद जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ आती है तो अमेरिका उसको वीटो कर देता है। वीटो पावर ये होती है कि एक आवाज़ अगर ख़िलाफ़ आ जाए तो वो करारदाद पास नहीं हो सकती। अब ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान है इसके बारे में जो है वो सलामती कौंसिल का फ़ैसला था कि इसको तबाह कर दो, अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर जो है वो किस तरह तबाह किया है उस इलाके को। तो असल में बताना ही चाहता हूँ कि हमारे यहाँ तो सियासत चलती है ना, इसलिए मैं ख़ुद सियासत में ही पढ़ना चाहता, लेकिन जो है मैं एक बात आपको सुनाई देता हूँ, लेकिन है वो बड़ी ख़तरनाक, लेकिन मेरा वो ख्वाब है, कोई नहीं आने दें, कोई बात नहीं, मेरा ख्वाब ये है कि मैंने ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा जो है वो जलसा है और उसके अंदर बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, और बड़े बड़े उलमा जो मौजूद हैं, तो मेरी आम तौर पर आदत है कि मैं जब किसी जलसे में जाता हूं तो मैं पीछे भी बैठ जाता हूं, लेकिन जब ख़ास तौर पर जो उसमें उलमा जो हैं वो स्टेज पर बैठे हों तो मैं भी स्टेज की तरफ गया हूं, तो मैं भी जाके उनके साथ बैठ गया हूं, नहीं वहाँ नहीं उनके साथ नहीं बैठा बल्कि मैं सामने बैठा हूँ, जो स्टेज के सामने कुर्सियाँ होती हैं ना मैं वहाँ बैठ गया हूँ। अच्छा, अब जो सामीन होते हैं उनमें मैं वहाँ बैठ गया हूँ, तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि एक आदमी जिसने अमरीकी हैट पहना हुआ है,
अमरीकी हैट पहने हुए जो है वो आदमी आया है, और जब वो आदमी आगे बढ़ा है तो जो अगली कुर्सियों वाले हैं ना वो तकरीबन सारे खड़े हो गए हैं, और उनमें मौलवी फजलुर रहमान को मैंने ख़ास तौर पर नोट किया कि ये पूरा खड़ा नहीं हुआ, आधा खड़ा हुआ है फिर दोबारा बैठ गया है। तो मैं ज़ाहिर है ज़रा दूर था, जब वो आदमी करीब आ गया ना स्टेज के लिए तो सारे लोग खड़े हो गए उसके लिए, उस आदमी के लिए सारे लोग खड़े हो गए जितने स्टेज पर थे। इसका माना एक बहुत ही मौजूद आदमी था। जब मैंने उसका हेड देखा तो अमरीकी, जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो उसामा था। अब उसामा की शक्ल तो मैं जानता हूँ। अब बताइए कि ये ख्वाब जो है ये बड़ा ख़तरनाक ख्वाब है, तो मैं कुछ नहीं कहता है। इस ख्वाब की तबीर मैंने आज तक नहीं की, अभी मुझे बहुत पुराना आया हुआ है। चलिए जी, बाहर सूरत ये इसकी तबीर अच्छी भी हो सकती है, इसकी बुरी भी तबीर हो सकती है, इसलिए मैंने ये ख्वाब की तबीर छोड़ी हुई है। तो बाहर सूरत कहने का मकसद ये है कि अच्छा जी, अब याजूज माजूज के बारे में मैंने आपको बताया कि ये बाबुल अबवाब जो है अरबी ज़बान में और दरबंद का जो इलाका है उसके करीब ये दीवार है। चूँकि मैं वहाँ गया नहीं, मैंने आंखों से नहीं देखी, तो ये दीवार जो है ये ख़त्म हो गई हुई है, अब निशानात बाकी हैं उन उस पे बारिश को उन्होंने गिनकर। इसलिए कि ये जो है ये तुर्की का शिमाल था, तो यह ज़ुल्करनैन ने तीन सफ़र किए हैं, एक मगरिब की तरफ, एक मशरक की तरफ, और एक जो है वो शिमाल की तरफ। तो शिमाल में ये इलाका जो है ये कफकाज का इलाका कहलाता है, और उसको काकेशिया भी कहते हैं। तो ये इलाका जो है बहुत सर्द है, तो इसलिए कि ये तुर्की के साथ ही आपको पता है कि ये मकदूनिया और इस तरह जो है वो यूनान वगैरह, तुर्की भी आधा हिस्सा जो है यूरोप का हिस्सा है, इसलिए तुर्की चाहता है कि यूरोप जो है वो हमें शामिल, पहले चाहता था कि हमें यूरोप शामिल कर ले, वो जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर, लेकिन खैर इन्होंने तासुब किया मुसलमान होने की वजह से इनको नहीं शामिल किया। तो इनकी जो अलामतें आती हैं ना वो आप देखें कि तुर्कियों के अंदर पाई जाती हैं, याजूज माजूज की जो अलामतें आती हैं ना वो तुर्कियों के अंदर पाई जाती हैं। तो इसका माना यह है कि ये सारे लोग जो थे ये याजूज माजूज थे, और उसके बाद फिर ये लोग जो है जब इनके साथ मिले हैं दूसरे लोगों के साथ, तो फिर वरना आप ये देखिए कि आम तौर पर आँखें छोटी, और यह है कि चेहरा बड़ा और नाक चपटा, ये आप देखें किस ये याजूज माजूज की अलामतें हैं। आप दादा देखिए ये कौन से लोग हैं, ये चाइना के लोग हैं सारे, चाइना के लोग इसी तरह के होते हैं, आँखें छोटी होती हैं और नाक चपटे होते हैं, और ये फिलिपाइन वगैरह जितने इलाके हैं सारे इसी शक्ल के हैं चपटे। अच्छा मैं बताऊँ, देखिए नहीं नहीं चाइना हमारे मशरक में है, हमारे मशरक में है, लेकिन आपको ये बताऊँ कि हमारे मशरक की बजाय अगर हम शिमाल मशरक कहें ना तो ज़्यादा बेहतर है। शिमाल भी है ना, ये शिमाल भी है, और ये जो ये इलाका है ये जनूब एशिया कहलाता है, और वो शिमाल एशिया कहलाता है, और ये एशिया एक कोचक तो है ना, ये एशिया क्यों कहलाता है, असल में ये तुर्की के साथ एक इलाका है जो बिल्कुल अगर आप देखें ना नक्शा तो उसके अंदर बिल्कुल अलग थलग है, और जो अलग थलग इलाका है ना उसको एशिया कोचक इसलिए कहते हैं कि वो है तो एशिया लेकिन छोटा एशिया उसको कहते हैं। तो मैंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने मुतारा किया है वो आपको बता ही देता हूँ ताकि आप मुतारा कर सकें। मैंने जो है वो ऐसे मौक़ों पर जो है वो मैं जो इस तरह की जोग्राफिया की किताबें हैं ना मैं वो मंगवा लेता हूँ। तो कल मैंने ये परसों की बात है कि मैंने ये किताब मंगवाई, शायद मुझे असगर साहब ने दी थी, तो उसमें इतलासुल कुरान, तो मैंने जब वो बुलाई तो उसके अंदर मैंने याजूज माजूज को जो है वो निकाला। तो ये सारी बातें जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ उस इतलासुल कुरान में मौजूद है। या तो अब ये बातें सारी वहाँ मौजूद हैं, और मैंने उसको पढ़ा है, और मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि मुझे वो दलाइल दिल को इसलिए लगे हैं कि दो दफ़ा जो है वो मुसलमान हुआ है वहाँ से, पहली दफ़ा तुमर के ज़माने में, और उसके बाद 200 साल बाद, वो मुझे सन याद नहीं है, फिर ये वहाँ गए हैं। तो
दीवार का नाम निशान भी नहीं था। तो असल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है उसको समझने की कोशिश करें। आपने कुरान मजीद में लफ्ज़ सद है, लेकिन आपने रसम लफ्ज़ इस्तेमाल किया रदम, जैसे रदम भी कुरान मजीद में है, रदमा कुरान मजीद में ये भी है। लेकिन जो कुछ भी है ना, असल में इनको तायुन करने के लिए, अच्छा यहाँ ये बात जो है बड़ी बुनियादी तौर पर आ गई कि इसका तायुन नहीं हो सकता। अब जो बात है वो चूँकि एर जिसों के अलावा यहाँ देवबंदी भी और अब बैठे हुए थे, तो फिर इतराज़ आया, ये हमारे हाफिज मसूद आम अल्लाह ताला उनको जहानत दे, बड़े जहीन हैं, तो उन्होंने जो है वो इतराज़ ये आया कि आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर उसूल लगता है वो इलाहियात वाला, हालांकि ये दुनियावी मखलूक है। तो वो कह रहे थे कि इसके बारे में हम कहें हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं, हम नहीं इसके बारे में बात करते। मैंने कहा कि मैं भी दरमियान में आया, मैंने कहा ये बात हो नहीं सकती, आप अफसर रही थे वो भी आए, तो उन्होंने कहा कि ये बात हो नहीं सकती कि आप जो बात कर रहे हैं ना, एक तो ये बात जो है वो इसलिए हो सकती कि अगर आपको ये पता नहीं लगता तो आप हज़रत ईसा को कैसे पहचानेंगे, आप इमाम मेहदी को कैसे पहचानेंगे। अब ये उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई, तो हाफिज़ मसूद आलम कहते हैं कि जी असल बात ये, इस पर इजमा हो जाएगा। तो इतराज़ करने वाले भी आखिर उलमा थे, उन्होंने कहा जी इख्तलाफ के बगैर इजमा हो जाएगा, पहले इख्तलाफ होता है फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस पर इजमा होता है। अब इसका कोई जवाब नहीं है। और कहा कि अगर हम तयन नहीं कर सकते तो इमाम मेहदी का तयन कैसे होगा, हज़रत ईसा का तयन कैसे होगा। अब ईसा की जो उम्र है, जो शक्ल है, वो तो खुद हदीस में आप पढ़ चुके हैं ना कि रंग उनका सफ़ेद और सुर्ख है, लेकिन उसको एक हदीस में गंदमी रंग कहा है, ऐसे में सुर्ख और सफ़ेद ज़्यादा नहीं है, तो रंग के अंदर अगर सुर्खी हो ना। हाँ मैंने आपको ये इसलिए मैंने आज जो है वो वक़्त भी ज़्यादा ले दिया है, और आपको मैं सारी चीज़ इसलिए मैंने बताई है कि याजूज माजूज के बारे में तो मेरा रुझान इधर है कि याजूज माजूज निकल चुके हैं। हाँ दज्जाल के बारे में जो है वो हमने वहाँ भी बात की है कि जो फ़र्द होता है जब उसकी निशानदेही हो जाए, जैसे कि हतीसा की, दज्जाल की, तो उनके बारे में जो है वो हम कोई इश्तारे की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो याजूज माजूज वगैरह जो है ना, इस तरह के लोग, इनके अंदर इश्तारा हो सकता है जो है, तो हमने इसी में कहता हूँ आप अगर पढ़ेंगे तो आपके सामने पूरी बात आ जाएगी, और नाकिस बात जो है वो हमेशा जो है वो नुकसान देती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये मज़मून कम अज़ कम पढ़ें, एक तो वो रिपोर्ट तो जो मैंने आपको बता दिया, वैसे नाम मेरा उसके ऊपर नहीं है, मैं तो खैर उसके अंदर जो है वो सदारत कर रहा था, तो ये सारी गुफ्तगू जो है वो उलमा के दरमियान में हुई, तो इसलिए यजूज मजूज की बात वैसे वहाँ नहीं आई। लेकिन ये है कि ये इमाम मेहदी की बात और जो है वो और हज़रत ईसा की बात आई है, तो उन्होंने कहा जी हज़रत ईसा का तयन कैसे होगा अगर वो शक्ल हम नहीं मानते, और अगर इस तरह जो है वो इमाम मेहदी का तयन कैसे होगा, उनका तो नसब भी जो है वो खंगालना पड़ेगा, इमाम मेहदी जो है वो हसन की औलाद में से हैं, लेकिन ये शिया नहीं मानते, वो कहते हैं हुसैन की औलाद में से हैं, उनका जो बारहवां इमाम गायब है ना, हज़रत हुसैन की औलाद में से हैं, लेकिन ये है कि वैसे तारीखी तौर पर जो है वो हसन की औलाद है। तो इसलिए हमारे उस्ताद जो अब्दुल मोहसिन अब्बाद हैं, उन्होंने किताब के अंदर जो है वह इमाम मेहदी का बहुत ज़्यादा जो है वो तारुफ करवाया है, क्योंकि इमाम मेहदी के बारे में जब ये बैतुल्ला पर जो है वो सूरत हाल बनी है, अब देखिए ना आपको बताऊं कि ताबीरें जो सारी होती हैं ना वो तो आती है सलामती कौंसिल से, मैंने आपको बताया ना सलामती कौंसिल में अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है और रूस है और चाइना, तो ये सलामती कौंसिल के असल लोग हैं, और बाकी जो आदमी हैं छः वो होते हैं सिर्फ 2 साल के लिए, और ये जो हैं ये मुस्तकिल अरकान हैं उसके। तो इस तरह से तारीख जो हमारी आती है और इस तरह जो फैसले होते हैं सलामती कौंसिल के, धीरे अफगानिस्तान जो तबाह हुआ है तो इस सलामती कौंसिल के फैसले से तबाह हुआ है, तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रा गौर से आप पढ़ेंगे। हाँ जी क्या
देखिए अमरीका ने और पाकिस्तान ने सब ने हमायत की इस बात की, क्योंकि पाकिस्तान अमरीका के पीछे लगा हुआ था। मैंने आपको वाक्य नहीं बताया कि जब मुझे मुझे भी बुलाया है दीगर लोगों के साथ, तो मैंने तो जो है पूरी मुखालफत की थी कि ये अमेरिका के साथ माहदा नहीं होना चाहिए परवेज मुशर्रफ के सामने। तो लंबी बातें हो जाएंगी, मैं आपको अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ताला शायद ऐसे मौक़ों पर इसलिए जो है बुला लेते हैं ताकि मैं अपनी आंखों से देख लूँ। मैंने बहुत से ऐसे वाक़ात हैं जो मैंने आंखों से देखे हैं, मैंने आगे बयान नहीं किए चलिए, मगर ये जो मैंने ख्वाब आपको आज बता दिया ये मैंने आपको शायद पहली दफ़ा बताया है। अल्लाह।